ये रहा गाइस माइक मेरा, जिसको मैं आज अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये माइक कितना बेस्ट है यूट्यूब वीडियो के लिए। चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। एक गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल अंकेश कुमार में। जैसा कि गाइस आप लोग मेरा थंबनेल देख के आज पता कर लिए होंगे कि मैं किस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। गाइस मैंने एक माइक मंगाया है फ्लिपकार्ट से, जो माइक बहुत ही बेस्ट है, जिस माइक का आज मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊँगा कि वो माइक कैसा है, जिसका वॉइस कैसा है, उससे कैसा क्वालिटी आ रहा है वीडियो का। गाइस मस्त माइक है, तो आइए आज इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वीडियो। जैसा कि गाइस आप देख रहे होंगे, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है माइक, जो मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारा माइक गाइस। गाइस इस माइक को मैं कुछ पैकिंग किया ऊपर से थर्मोकॉल से, फिर गाइस ये बैग दिया वो उसका पैक के लिए। मैं इस पैक को खोल रहा हूँ और गाइस देख रहे होंगे ये माइक अंदर में ये माइक दिया गया है। गाइस मैक बहुत बढ़िया है यूट्यूब वीडियो के लिए। और गाइस देख रहे होंगे कि मैक के साथ इसका एक क्लिप भी दिया है, जो क्लिप आप लगा के अपने शर्ट पे या आप जो बोलिएगा तो कहीं पे लगाना पड़ेगा, तो इसलिए क्लिप भी दिया गाइस। और ये रहा गाइस हमारा माइक फॉर यूट्यूब वीडियो। गाइस A1 क्वालिटी है इस माइक का। अगर कोई भी आदमी अगर इस माइक को बाय करना चाहते हैं तो मैं इस माइक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। गाइस इसका लेंथ 3.5 मिलीमीटर है और गाइस बहुत बड़ा भी माइक है ये। आप चाहें तो आप ब्लॉग के लिए भी या कोई भी आप यूट्यूब वीडियो या कुछ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। गाइस देखिए कितना बड़ा माइक है गाइज। बहुत इसका क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है गाइज। मैं आप लोगों को अब जो बोलूंगा वो देखिएगा, इसी माइक से क्वालिटी आएगा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। गाइज आप लोग इसका क्वालिटी देख रहे होंगे कि कितना बेस्ट वॉइस आ रहा है इस माइक में। अगर गाइज आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस माइक को परचेज कर सकते हैं। गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, अगर ये माइक भी पसंद आया होगा आप लोगों को, मैं वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए।